हौसले के साथ जिंदगी में कुछ करने के लिए अगर कोई ठान ले तो उसकी मंजिल हर चुनौती को पार कर जाती है। ऐसे ही हैं किंकर। कटिहार शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर सैरिया बेलवा गांव इलाके में इन्होंने इसे सच कर दिखाया है। बाढ़ की विभीषिका झेलना इस क्षेत्र की जिंदगी है। पानी कई महीने इस क्षेत्र को घेरे रहती है और जीने के लिए अगर कुछ है तो खेती, जो पानी में डूबी रहती है। इन तमाम झंझावातों के बाद भी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए लोगों के हौसले ने ऐसी उड़ान भरी कि आज परेशानी उनके सामने घुटने टेक चुकी है। गांव की महिलाएं मशरूम से बहुत कुछ तैयार कर रही हैं और इस मशरूम ने उनकी जिंदगी में होने वाली हर उस महरूमियत को दूर कर दिया और अब उनकी जिंदगी खुशी से कट रही है। गांव की रहने वाली श्रीदेवी ने बताया कि उनकी जिंदगी इस व्यवसाय से जुड़ने के बाद अच्छी हुई है और गांव में मशरूम की पैदावार और उससे मिलने वाले काम से उनके घर परिवार का पालन पोषण भी ठीक से हो रहा है। फायदा होगा, हम लोग बनाएंगे घर में बैठकर, तो बात सीख जाएंगे, हम लोग घर में भी बनाएंगे ये लोग। ये बात सिर्फ श्रीदेवी की नहीं बल्कि गांव की दूसरी महिलाओं का भी है, जिनका कहना है कि यहां से जुड़ने के बाद जिंदगी ने करवट ली है। हम तो मशरूम का बीज डाल रहे हैं, हमको कोई काम नहीं मिल रहा था, तभी मिला है तो हम लोग कर रहे हैं। आगे से भी सीख जाएंगे अच्छे से तो हम भी कर सकते हैं। 2020 की कोरोना महामारी ने जहाँ पूरे देश को रोक दिया था, रोजगार खत्म हुए और बहुत सारी झंझावतें भी रही, लॉकडाउन खुलने के बाद से अब फिर से पटरी पर आ रहा है। मशरूम को लेकर के जिस तरह से खेती यहां पर हो रही है और जो तैयारी यहां के लोग कर रहे हैं वो लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। किस तरीके से ये काम होता है आपको दिखा देते हैं। इस पूरी व्यवस्था को खड़ा करने वाले किंकरदास का कहना है गांव के लोग इससे जुड़े हैं, निश्चित तौर पर उनकी आर्थिक आमदनी भी बढ़ी है और गांव के लोगों को रोजगार भी मिला है। गांव आत्मनिर्भर हो रहा है, लोगों की जिंदगी भी सरल हो रही है। फसल हो रहा, सबसे बड़ा अभी मशरूम का खेती हम लोग का लिए बेटर देख रहा है। किसान का जो भविष्य था, देखे बाढ़ पानी का में अभी तक इसको आमदनी नहीं है, तो मैंने सोचा एक प्लान बनाया कि अब गरीब आदमी को रोटी रोजगार के लिए कुछ किया जाए। भविष्य में तो बहुत आदमी बहुत बड़ा प्लान करता, तो मैंने एक छोटा मोटा प्लान शुरू किए। अभी तक मैंने सरकारी मदद इसलिए नहीं लिए, हमने जान रहा सरकारी मदद का साथ बहुत ही परेशानी होना पड़ता है और इस चीज को मैंने अपने भुगत में भुग रहा है। जहां बाढ़ एक विभीषिका है, कटाव लोगों की मजबूरी है और पलायन जिंदगी का सच है, उसके बीच से अपने हुनर और हिम्मत से किंकरदास ने जिस तरीके से गांव के महिलाओं को जोड़कर मशरूम के इस व्यवसाय को खड़ा किया है, वो निश्चित तौर पर गांव के लोगों को तो मजबूती दे ही रहा है, साथ ही वैसे लोगों को हौसला भी जो जिंदगी में थोड़ी मोड़ी परेशानी से हार जाते हैं। सीखना चाहिए कि किस तरीके से जिंदगी को अपने बस में कर आगे बढ़ा जा सकता है। कटिहार से रंजन कुमार की रिपोर्ट।